अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। हम FSC की फ़िज़िक्स का पार्ट वन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 अभी हम सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन वन ईयर। ये ए पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बी और सी पार्ट की तरफ जाएंगे। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन वन ईयर, टाइम वन ईयर, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ईयर में कन्वर्ट कर, ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेज़ हो जाएंगे। फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आवर्स हो जाएंगे। फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा मिनट। और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। अब अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 31536 और 000 सेकंड। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3 के बाद पॉइंट को शिफ्ट करें, आ जाता है 31536 मल्टीप्लाइड बाई 10^7 सेकंड। ये ए पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। बी पार्ट है हमारे पास इस न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल नंबर 1.2 का, हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन वन ईयर। एज फ्रॉम पार्ट ए वी नो दैट वन ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई 10^7 सेकंड। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10^-9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 10^7 मल्टीप्लाइड बाई 10^-9 ओवर 10^-9 सेकंड। अब ये जो 10^-9 है ये नैनो बन जाएगा, और दूसरा जो डिनोमिनेटर में 10^-9 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो बन जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई 10^7 प्लस 9 नैनो सेकंड, यानी 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई 10^16 नैनो सेकंड। ये पार्ट बी जो है ये कंप्लीट हो गया है। 1.2 का पार्ट सी है हमारे पास, हाउ मैनी ईयर्स इन वन सेकंड। एज वी नो वन ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई 10^7 सेकंड, विच इम्प्लाइज़ दैट 1 डिवाइडेड बाई 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई 10^7 ईयर इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 1 डिवाइडेड बाई 3.1536 ये इक्वल आता है 0.2828 के, और साथ में 10^7 को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएं तो 10^-7 बन जाएगा। तो 1 सेकंड बराबर आ गया 0.2828 10^-7 ईयर के। इसको हम अगर थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 2.828 मल्टीप्लाइड बाई 10^-1 10^-7 ईयर, या इसको हम लिख सकते हैं 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10^-8 ईयर। इसके साथ ही न्यूमेरिकल नंबर 1.2 का पार्ट सी कंप्लीट होता है, और न्यूमेरिकल 1.2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अगर किसी पार्ट में आपको कोई अभाम है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर न्यूमेरिकल की समझ आ गई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने असातिज़ा के साथ, अपने शागिर्दों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद, मेरी तरफ़ से आपको अल्लाह हाफिज़।